हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल यानी अरहान एंटरटेनमेंट में। मैं हूँ राशिश। तो आज हम लोग बात करेंगे गुड न्यूज और ASN दोनों ही मूवी के ट्रेलर के बारे में। ASN के बारे में मैंने इससे पहले भी बात कर चुका और वो वीडियो काफी लोगों को पसंद आया था, और उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में काफी लोगों ने मुझे कहा था कि ASN के बारे में और भी बताओ। उसके अलावा मुझे गुड न्यूज के बारे में काफी लोगों ने कमेंट करके कहा था कि भाई आपने इस मूवी के बारे में कुछ भी नहीं बताया हमें। तो चलिए आज हम लोग इस दोनों ही वीडियो के बारे में बात करेंगे, और आज स्पेशली जो वीडियो बना रहा हूँ ये हिंदी ऑडियंस और साउथ ऑडियंस दोनों के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि दोनों ही फिल्म एक दिन रिलीज होने वाली है। और उसके अलावा जो इसमें मेन बात है वो है एक जगह है इंडियन सिनेमा का एक सुपरस्टार तो नहीं, मैं तो लेजेंड बोलूंगा, अक्षय कुमार, जिसके फैन बच्चे से लेके बूढ़े तक सबके सब उनके फैन है। और दूसरी तरफ है कन्नड़ा सिनेमा के एक उभरते हुए सितारे, मैं तो बोलूंगा, क्योंकि रक्षित शेट्टी सिर्फ एक्टर ही नहीं है, वो प्रोड्यूसर है, वो डायरेक्टर है, वो राइटर है, वो लिरिसिस्ट है, और उन्होंने 11 अवार्ड जीते हैं, और उनकी जो फिल्म है वो अलग ही तरीके की। और वहां की जो ऑडियंस है यानी कन्नड़ा सिनेमा की जितनी भी ऑडियंस है वो रक्षित शेट्टी को बोलती है कि एक बदलता सिनेमा का जो युग है वो रक्षित शेट्टी ने लाया कन्नड़ा सिनेमा में। तो आज हम लोग बात करें दोनों फिल्मों के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग अरहान एंटरटेनमेंट, अगर आप नए आए हो, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक हमारे चैनल को, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो साथ ही बेल आइकन है उसे भी कर देना प्रेस। तो शुरू करते हैं हमारे आज का वीडियो। तो आज हम लोग बात करें गुड न्यूज मूवी में हमें क्या देखने को मिलेगा। तो देखो गुड न्यूज मूवी की बात करें तो गुड न्यूज मूवी में हमें असेंबल कास्ट देखने को मिलेगी, यानी अक्षय कुमार, दिलजीत दोसांझ, कायरा आडवाणी और करीना कपूर। इसे डायरेक्ट किया है डेब्यूटेंट डायरेक्टर राज मेहता ने, और ये करण जौहर के बैनर तले बनी है, धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बनी फिल्म है। इस फिल्म का जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट इसी वजह से, क्योंकि इसमें जो टेक्नोलॉजी के बारे में बताया उस टेक्नोलॉजी के बारे में काफी लोग, इंडियन ऑडियंस तो बिल्कुल भी नहीं जानती है, अगर जानती भी है तो वो नमक बराबर, यानी कि अगर 100% में से अगर मेरे से पूछो तो मुझे लगता है कि सिर्फ 40 या 45% लोगों को पता है IVF टेक्नोलॉजी के बारे में, उसके अलावा मोस्ट ऑफ देम लोगों को नहीं पता। अगर पता भी होगा तो बात अलग है, क्योंकि मुझे पर्सनली इस बारे में पता नहीं था, मुझे इस मूवी के थ्रू पता चला कि इस तरीके की टेक्नोलॉजी भी होती है। इस टेक्नोलॉजी का फुल फॉर्म इन वर्टो फर्टिलाइजेशन यानी कि IVF। तो ये जो IVF है ये आप लोग को लगता होगा कि जब फीमेल में कुछ प्रॉब्लम होगी इस वजह से वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये प्रॉब्लम मेल को भी हो सकती है, फीमेल को भी हो सकती है, यानी कि एक हस्बैंड यानी एक मैरिड कपल है, उन लोगों की शादी होगी, शादी होने के एक साल तक उन लोगों को बच्चा नहीं हो रहा, तो वो लोग इस टेक्नोलॉजी के यूज करके बच्चा पैदा कर सकते हैं। अगर मैं आपको बता दूं हमारे इंडिया में बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम होती है कि जब शादी होती है बच्चे नहीं होती है, तो मोस्टली जो हस्बैंड होता है वो अपनी वाइफ को तलाक देते, सोचते कि किसी और लड़की से शादी करेंगे तो बच्चा पैदा हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कभी कभी प्रॉब्लम ये होती है कि जो हस्बैंड होता है उसका जो सीमेन होता है उसमें जो स्पर्म की जो मात्रा होती है वो मात्रा इतनी कम होती है कि वो जो एग होता है फीमेल्स के, वो एग में वो स्पर्म जा ही नहीं पाता, और उस वजह से बच्चा बन ही नहीं पाता। तो ये मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम होती है। लेकिन जो हमारे इंडियन जो मर्द है, जो उनकी सोच है वो बहुत ही घटिया है, वो हमेशा फीमेल को तलाक देते, दूसरी शादी करते। लेकिन अब ये टेक्नोलॉजी आने के बाद काफी कुछ समझ में आ रहा है। फीमेल्स की बात करते फीमेल्स में 3 वजह होती है। पहली वजह यह है कि अगर उनकी बॉडी में एक ऑर्गन्स होता है जिसे ट्यूब कहते हैं, उस ट्यूब में एग और स्पर्म दोनों ही ट्रैवल करते हैं, अगर वो ट्यूब में कहीं ब्लॉकेज हो या कुछ भी हो तो उस वजह से बच्चा जो एग है वो बच्चेदानी तक नहीं पहुंच पाता, तो एक वजह ये हो गई। तो दूसरी वजह है कि जो फीमेल्स की जो पीरियड्स का टाइम होता है, तो उस टाइम पे कुछ एक ऐसा समय आया था जिसमें ओवुलेशन होता, तो ओवुलेशन के टाइम पे उनके एग रिलीज होते, तो एग रिलीज जब होते तो उसमें जो मैच्योर एग होते तो कुछ फीमेल्स के एग या तो प्रॉपरली रिलीज नहीं होते, या कुछ लोगों के रिलीज होते लेकिन वो एग इतने मैच्योर नहीं होते। जब हस्बैंड वाइफ जब रिलेशनशिप बनाते हैं तो उस टाइम पे जब एग रिलीज होते हैं तो वो स्पर्म से मिल नहीं पाते, क्योंकि वो एग मैच्योर नहीं होता है। दूसरी वजह ये होगी। तीसरी वजह ये होगी, जो फीमेल्स होती है उनकी जो बच्चादानी होती है, जिसपे बच्चादानी होती है, अगर वो बच्चादानी में कहीं से गांठ हो या कोई इन्फेक्शन हो तो जिस वजह से वो बच्चा कंसीव नहीं कर पाती। तो ये 3 वजह होती है फीमेल्स के बारे में। तो ये इस मूवी में हमें काफी हंसाते हुए या फिर कुछ इमोशनल सीन्स के थ्रू हमें ये टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाएगा। और अक्षय कुमार की बात करो तो अक्षय कुमार हमारे इंडियन सिनेमा में गोविंदा के बाद अगर कोई ऐसे सुपरस्टार है जिसका कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छा है वो है अक्षय कुमार। इसके साथ साथ हमें करीना कपूर और अक्षय कुमार की जोड़ी फिर से नजर आने वाली है। इन दोनों ने मिलकर बहुत ज्यादा हिट्स दिए, कुछ तो ऐसी मूवी दी जो आज भी लोग देखते, जैसे कि ऐतराज मूवी करीना कपूर और अक्षय कुमार की वन ऑफ दी बेस्ट मूवी है, और गब्बर मूवी को कौन भूल सकता है। उसके अलावा तलाश और बहुत सी मूवी में दोनों ने साथ में काम किया। प्लस कायरा आडवाणी की बात करो तो कबीर सिंह के बाद कायरा आडवाणी काफी जो यंगस्टर है काफी दीवाना हो चुके हैं,
मुझे भी उनका कबीर सिंह में काम बहुत अच्छा लगा था। और दिलजीत दोसांझ की बात करें तो वो एक पंजाबी एक्टर है, मगर वो एक एक्टर के साथ सिंगर भी और पंजाब में काफी एक पॉपुलर फेस है। और उन्होंने भी हिंदी सिनेमा में दो तीन फिल्में की है, हालांकि उनकी फिल्में इतनी ज्यादा नहीं चली, लेकिन जो उनका ऑडियंस का प्यार है वो हमेशा से बना रहता। तो ये जो गुड न्यूज मूवी है, ये मूवी अपने आप में एक अलग तरीके की मूवी है। इस मूवी का जो म्यूजिक दिया वो है तनिष्क बागची ने। तनिष्क बागची जाने जाते काफी हिंदी सॉन्ग्स को रिमिक करते हुए, लेकिन यहाँ पर जो उन्होंने सॉन्ग्स दिए सॉन्ग्स अच्छे, सुनने में अच्छे लगते, कहीं से भी बोर नहीं होता है। हालांकि इस मूवी के गाने अभी तक पूरी तरीके से रिलीज नहीं हुए, करीब तीन गाने इसके रिलीज हुए, तीनों ही गाने सुनने में तो अच्छे लगते हैं। देखते हैं कि इनको फिल्म में किस तरीके से यूज किया गया। और मैं आपको गुड न्यूज की एक आखिरी बात बता दूं, अगर जो सब्जेक्ट के बारे में मैंने बात की, अगर वो सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से यूज किया रहेगा इस फिल्म में, तो ये फिल्म को हिट होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और अक्षय कुमार की जो फैन फॉलोइंग है, जो उनकी ऑडियंस है, वो बहुत ही अलग लेवल की है। हालांकि वो साल में 4 से 5 फिल्में करते और 2019 में अब तक के उन्होंने 1000 करोड़ से भी ज्यादा फिल्म कमाई, यानी कि उनकी जितनी भी फिल्में 2019 में रिलीज हुई है सबका टोटल कर दो तो 1000 करोड़ से भी ज्यादा होता। तो वो एक वन ऑफ दी हाईएस्ट अर्निंग एक्टर हो चुके हैं 2019 के। अब बात करता है ASN यानी एडवेंचर ऑफ श्रीमान नारायण के बारे में। अब बात करेंगे ASN क्यों हिट हो सकती है। देखो ASN की बात करो तो एडवेंचर ऑफ श्रीमान नारायण की बात करूंगा मैं, उसका जो ट्रेलर है जिस तरीके से उसको एडिट किया, और उसको एडिट किसी और ने नहीं बल्कि इसके एक्टर रक्षित शेट्टी ने किया, और इतना लाजवाब किया कि इस साल का अगर बेस्ट अवार्ड मिले तो उस ट्रेलर को मिल ही सकता। और ट्रेलर देखकर जिन लोगों को साउथ के बारे में जरा सा A से B भी नहीं मालूम, उनको भी वो ट्रेलर अच्छा लगा, उनको भी ज्यादा एक्साइटमेंट होगी ये फिल्म कब रिलीज होगी। ये फिल्म 5 लैंग्वेज में रिलीज हो रही है और रक्षित शेट्टी की पहली फिल्म है जो कि 5 लैंग्वेज में रिलीज हो रही है। इसके अलावा हिंदी ऑडियंस को रक्षित शेट्टी के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। मैंने एक वीडियो बनाया, अगर आप लोग को नहीं पता होगा तो आई बटन पे आप लोग क्लिक करें, वहां पर आपको पता चलेगा रक्षित शेट्टी की 5 बेहतरीन फिल्में जो आप लोग ASN से पहले देख सकते हो। इसके अलावा इस मूवी की जो खास बात है वो है रक्षित शेट्टी खुद, उनको इस फिल्म को बनाने के 3 साल लगा और ये फिल्म उनके लिए एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। इस फिल्म में आपको एक बेहतरीन BGM सुनने को मिलेगा और जो इसके विजुअल से काफी अलग है। और इस फिल्म की जो थीम खजाने की इन्वेस्टिगेशन पे बनाई गई फिल्म है। अगर आप लोगों ने ASN का ट्रेलर गौर से देखा होगा तो आपको पहली नजर में ऐसा लग रहा होगा किसी हॉलीवुड फिल्म का आप ट्रेलर देख रहे हो, क्योंकि इसका जो लुक है वो बिल्कुल किसी हॉलीवुड फिल्म से मिलता जुलता है। लेकिन यहाँ पर BGM की बात करें तो वो साउथ की एक अलग ही खुशबू लेके आता है और वो अलग ही चीज है। मतलब कन्नड़ा सिनेमा में मुझे ऐसा लगता है कि KGF के बाद अगर कोई दूसरी KGF बनेगी तो वो ये है एडवेंचर ऑफ श्रीमान नारायण। जितना ट्रेलर बढ़िया है ना, अगर इस फिल्म को उसी तरीके से एग्जीक्यूट किया गया ना, तो यार सच बता रहा है ये वन ऑफ दी हाईएस्ट अर्निंग मूवीज बन जाएगी 2019 की, और शायद ये गुड न्यूज को भी पछाड़ दे। लेकिन ये मूवी तभी चलेगी जब लोगों को ये मूवी पसंद आएगी, और ये मूवी का पूरा श्रेय जाएगा इसके राइटर्स के ऊपर, क्योंकि रक्षित शेट्टी का भी मैंने इंटरव्यू सुना तो उसने भी इतना ही बोला कि जो इस मूवी की सफलता के हीरो वो अकेले नहीं रहेंगे, यानी कि इसके जो राइटर्स है वो, क्योंकि इन्होंने खुद भी लिखी है इस मूवी को, लेकिन इसके साथ साथ दूसरे भी अलग राइटर्स थे, प्लस इनकी 200 से भी ज्यादा लोगों की टीम है। तो ये मानते कि टीम वर्क के अलावा ये मूवी बिल्कुल भी मुमकिन नहीं थी, प्लस ये उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। और ट्रेलर देख के कहीं से भी अंदाजा नहीं लगा था ये कि आप एक साउथ का ट्रेलर देख रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि आप किसी हॉलीवुड फिल्म का ट्रेलर देख रहे हो, क्योंकि इसका जो आर्ट डायरेक्शन है बिल्कुल किसी हॉलीवुड फिल्म से मिलता होता है। इस मूवी के बारे में हम लोग जितनी बात करेंगे ना उतनी कम है, क्योंकि ये एक बदलते सिनेमा की एक पहली पहल मैं तो बोलूंगा, और चाहे वो साउथ हो चाहे वो हिंदी सिनेमा हो, है तो हमारे इंडिया का ही ना, तो हमें तो प्राउड होना चाहिए ASN जैसी फिल्मों पर। ऐसा लग रहा है कि रक्षित शेट्टी भी एक तूफान की तरह आ रहे हैं और शायद गुड न्यूज को वो अपने साथ बहा ले जाएंगे, अब वो तो वक्त ही पता चलेगा। अब तीसरा और आखिरी सवाल ये है कि गुड न्यूज या ASN दोनों में से कौन सी मूवी जीतेगी। तो देखो मैं आप लोग से बता दूं कि चाहे गुड न्यूज हो या ASN हो, दोनों ही फिल्मों की जो फर्स्ट शो रहेगा वो हाउसफुल होगा। अगर गुड न्यूज की बात करें तो जो हमारे हिंदी सिनेमा की जितनी भी ऑडियंस है वो गुड न्यूज को फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने आएगी और वो हाउसफुल रहेगा। और कन्नड़ा सिनेमा की बात करें तो अवाने श्रीमान नारायण यानी कि एडवेंचर ऑफ श्रीमान नारायण को हाउसफुल मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसके बाद दोनों ही फिल्में डिपेंड करती है ऑडियंस के कहने पर, यानी कि जब ऑडियंस को जो भी फिल्म पसंद आएगी वो फिल्म चलेगी। क्योंकि इससे पहले आपने KGF और जीरो के टाइम में देख लिया था, चाहे कोई भी हो सुपरस्टार हो या कोई भी हो, चाहे वो ऐसा एक्टर हो जिनको ऑडियंस जानती भी नहीं, लेकिन वो फिल्म इसी वजह से चलती है क्योंकि फिल्म के कंटेंट में दम होना चाहिए। हाल फिलहाल में आप हिंदी फिल्म को देखोगे तो उसमें एक चीज मिसिंग है, वो है इसकी स्टोरी और कंटेंट, क्योंकि एक्टर्स तो हमारे हिंदी फिल्म में बहुत जबरदस्त एक्टर है, ऐसे ऐसे एक्टर है कि उसको दुनिया जानती है, लेकिन उस फिल्म में आपको स्टोरी देखने को नहीं मिलती तो ऑडियंस कहीं ना कहीं चीटेड फील करती है। लेकिन वहीं पर अगर जो छोटे एक्टर्स होते हैं उनकी जो फिल्म होती है उनके भले एक्टर्स का नाम नहीं, लेकिन उस फिल्म में स्टोरी और कॉन्टेंट देखने को मिलता है। और इसी वजह से अगर आप 2019 की अगर
लिस्ट निकाल के देखो तो वही फिल्में चली जिसमें आपको कंटेंट देखने को मिला है। अब देखना है कि गुड न्यूज का जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट लोगों को कितना पसंद आता है और आवाने यानी कि एडवेंचर ऑफ श्रीमन नारायण का जो टॉपिक है वो टॉपिक और स्टोरी लोगों को कितनी भाती है, क्योंकि दोनों की थीम्स बहुत ही अलग है और दोनों की ऑडियंस भी ज्यादा अलग है। अब देखना है कि दोनों ही ऑडियंस इस फिल्म को किस तरीके से लेती है, क्योंकि मैं तो दोनों ही फिल्में देखूंगा क्योंकि हमारा रिव्यू चैनल है। अगर आपको इस वीडियो में जरा भी कुछ कमी नजर आई तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हो। मैं बहुत कोशिश करता हूँ वीडियोज बनाने की, अच्छी अच्छी आप तक पहुंचाने की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और अगर आपको दबंग 3 के बारे में जानना है कि भाई दबंग 3 के बारे में भी वीडियो बनाओ तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो के बाद वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोग किस फिल्म के लिए एक्साइटेड और आप लोग के बारे में गुड न्यूज का सब्जेक्ट वो कितना इम्पोर्टेंट है और श्रीमन नारायण की जो थीम है जिस थीम पे वो फिल्म बनी क्या वो थीम लोगों को पसंद आएगी, ये सब कुछ मुझे बताना। और दबंग 3 के बारे में मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो बस इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे कल किसी नए वीडियो में दिल जाए, दुआ में याद रखना। बाय।